बिसमिल्ल रहीम आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी बताने लगी हूँ राइस पुडिंग उसके लिए मुझे एक कप राइस चाहिए थे जो कि मैंने उसको हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया था और कंडेंस मिल्क चाहिए वेपोरेटर मिल्क चाहिए और रेजेंस चाहिए कार्डिमम चाहिए इलायची चाहिए और कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो और रेगुलर मिल्क चाहिए कंडेंस मिल्क उसको बहुत फ्लेवर देगा और सबसे पहले मैंने क्या किया था राइस को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसको बहुत अच्छी तरह तीन चार दफ़ा धोया था और उसके बाद मैंने क्या किया था दो कप पानी मैंने रखा था उबलने के लिए जैसे ही वे बॉईल हो गया तो उसमें सोख हुए हुए या पानी में भीगे हुए चावल मैंने डाल के रख दिए और उसका पूरा अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया खुश्क हो गया जब पानी उसका पूरे टेंडर हो गए तो उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से उसको एक कप मैंने दूध ऐड किया और हैंड ब्लेंडर से उसको मैंने ब्लेंड किया ब्लेंड करने की वजह से वो ऐसे ही एक जान हो गए थे और हल्के हल्के जैसे पीसे हुए चावल होते हैं उनकी शक्ल इख्तियार कर गया था हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था मैंने ऐसे ही दो मिनट के लिए उन्हें ब्लेंड किया था फिर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली थी और बेकिंग ट्रे में उसको सारी को अमेजे को ऐड कर दिया था और ये मैंने ऐसे ही एक दो मिनट के लिए और उसके बाद मैंने क्रश की थी उस कार्डिमम या इलाइचियाँ और उन और थोड़े से नट्स भी कोई भी जो मैंने आलमंड उसको पीसे थे और पीसने के बाद उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था राइस पुटिंग में और उसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करूँगी और आपको अपनी पसंद के कोई भी नट्स उसमें डाल सकते हैं मैंने रेजिन ऐड किए हैं और क्रश किए हुए नट्स ऐड किए हैं और उसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से ये खीर मैंने ओवन में बनानी है और इतनी मज़े की और इतनी यमी बनती है और अब मैं कंडेंस मिल्क कर करी हूँ पूरा डिब्बा मैंने कंडेंस मिल्क का डाल दिया है और क्योंकि कंडेंस मिल्क डाला है इसलिए आप चीनी दे के आपने ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठी खीर हो जाएगी लेकिन मैंने अभी कंडेंस मिल्क ऐड किया है अब उसके बाद मैं इसके अंदर वेपोरेट मिल्क का डिब्बा पूरा ऐड कर दूँगी और उसके इन दोनों की वजह से और रेगुलर मिल्क भी ऐड करूँगी बहुत फ्लेवरफुल खीर बनेगी बहुत ही यमी खीर बनेगी और थोड़ी सी 35% परसेंट एक कप मैंने क्रीम भी ऐड की है अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी कि मैंने 350 फिफ्टी पे प्री हीट होने अवन अपना लगा दिया है आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने कोई अवन में किसी ने खीर बनाई हो उसके बाद मैंने क्या किया था खीर के अंदर और नट्स डाल दिए थे ताकि वो फ्लेवर दें सारी तरह के नट्स मैंने ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और वन एंड हाफ आवर के लिए मैंने उसको बेक होने रख दिया था और इस इतनी शानदार बनेगी खीर उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको बार बार चम्मच नहीं चलाना पड़ेगा आपको ये रेसिपी मैं रमज़ान के लिए दे रही हूँ आपको बहुत फ़ायदा देगी टाइम सेविंग भी होगी आप रखने के बाद कोई भी काम कर सकते हैं अभी उसको मैं चारों तरफ उसके अंदर मूव कर दूंगी ताकि ऐसे ही एक दो दफ़ा उसको स्टर्ट भी कर दूंगी और उसको पूरे ओवन में आगे वाले हिस्से को पीछे कर दूंगी और पीछे वाले हिस्से को आगे कर दूंगी उसके की वजह से वो और इक्वली वो पकेगी और आपने सिर्फ दरमियान वाले खाने में ही रखना है सबसे नीचे नहीं रखना और सबसे ऊपर नहीं रखना ये वह इसकी वजह से वो बहुत शानदार इक्वल कुक होगी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रेडी हो गई है मैं इसको ओवन से निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैंने क्या करना है मैंने ऑलरेडी एक आ, सर्विंग ट्रे तैयार की हुई है मैं उसके अंदर उसको डाल दूँगी और इतना आप यकीन करें ये इतनी यमी रेसिपी है जब आप बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे आपको कैसी लगी अलहमदल्ला अब तैयार हो गई है और उसको मैं सर्विंग ट्रे में डाल दूँगी और डाल अच्छी तरह से आप पूरे को साफ़ करके निकालने और उसके बाद क्या करना है उसके ऊपर मैंने सारे नट्स लगा देने अपनी पसंद के कोई भी नट्स लगा सकते हैं अगर आपके पास चांदी के वर्क हैं वो भी लगा सकते हैं और अपनी उसके बाद इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और फिर ठंडी आपने सर्व करनी है इसी तरह किसी चीज़ के साथ आप ज़रूर मुझे बताइए आपको मेरी ये डिफरेंट सी रेसिपी और मैंने अवन में बनाई कभी किसी ने नहीं बनाई अगर आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपनी दवाओं में याद रखें और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और आपने आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको अगर कोई डिफरेंट सी रेसिपी आती है तो मुझे बताएं मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगी और अगर आपको मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो आई रियली अप्रिशिएट दैट जजाक लगा इस मेरी वीडियो देखने के लिए जब भी खाना बनाएं दुरुश्य पढ़ के बनाएं इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत आएगा अल्लाह हाफिज़ गाइस